हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मवरी गुरु। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे ट्वेल्थ बोर्ड के साथ में, स्टेट बोर्ड के साथ में नीट की किस तरह से प्रिपरेशन करेंगे आप, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स मुझसे पूछ रहे थे कि ट्वेल्थ का स्टेट बोर्ड उनको इस बार देना है और साथ ही साथ नीट में भी उन्होंने अप्लाई किया है, तो नीट की भी प्रिपरेशन उन्हें करनी है, तो किस तरह से कर सकते हैं साथ ही साथ, इसी के बारे में वीडियो है। वीडियो को पूरा देखेंगे दोस्तों, अच्छा लगेगा, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल में फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, जो बोर्ड का एग्ज़ाम है वो फरवरी में लगभग शुरू होता है और फरवरी से मार्च अप्रैल अप्रैल तक लगभग जाता है। तो दोस्तों, इस समय अगर आपके पास टाइम देखा जाए तो फरवरी, मार्च और अप्रैल, मई में तो आपका एग्ज़ाम हो जाता है फर्स्ट वीक में ही, तो फरवरी मार्च अप्रैल तीन महीने का टाइम है आपके पास। तीन महीने के टाइम में आपको स्टेट बोर्ड, बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो CBSE बोर्ड से नहीं बिलोंग करते, जिनकी NCERT की बुकें नहीं चलती, उसमें अगर आप देखेंगे तो स्टेट बोर्ड का जो सिलेबस है वो CBSE जो नीट का जो सिलेबस है, NTA ने जो सिलेबस दिया हुआ है उससे काफ़ी हद तक मैच करता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके नीट के सिलेबस से मैच करती हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, लाइक ग्रेविटेशंस हो गया, या फिर कुछ टॉपिक जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ये सारे टॉपिक कॉमन होते हैं जो आपको स्टेट बोर्ड में भी मिल जाएंगे और नीट के सिलेबस में भी मिल जाएंगे। तो और बेसिकली इसी से क्वेश्चंस भी आते हैं, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी कोशिश ये करिए कि CBSE NCERT की बुक आपके पास होनी चाहिए, उसको भी साथ में आप स्टडी करेंगे स्टेट बोर्ड के साथ में, जो टॉपिक आपको नहीं मिलते हैं, क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि सिलेबस जो भी हो वो आपको ढूंढना पड़ता है कि कहाँ पे वो सिलेबस है, किस इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। इसी तरह केमिस्ट्री में भी बहुत सारा कॉमन चीज़ आपको मिल जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सारी कॉमन चीज़ें आपको स्टेट बोर्ड में मिल जाएंगी और CBSE NCERT की बुक में भी मिल जाएंगी। और साथ ही साथ बायोलॉजी में भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको इसी तरह से कुछ ये सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों, इन टॉपिक की लिस्ट बना लीजिए और इनको सिलेबस से मैच करिए, और आप बोर्ड की एग्ज़ाम तो देंगे ही देंगे, लेकिन ये तीन महीने के टाइम में आपको बोर्ड के साथ साथ नीट के मॉक टेस्ट करने हैं। सबसे पहला काम, आप कम से कम टारगेट ये करिए कि एक हफ्ते के अंदर दो या तीन मॉक टेस्ट कर डालिए, और उसके साथ में हर सब्जेक्ट का, मीन्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ऑनलाइन प्रिपरेशन इसलिए ज़्यादा बेटर होती है, इस समय बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिसके थ्रू आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप बोर्ड के एग्ज़ाम के साथ में कोचिंग करेंगे तो वो इतना ज़्यादा टाइम आपका नहीं बच पाएगा सेल्फ स्टडी का। तो कोशिश ये कीजिए कि जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ हैं उनको ज्वाइन कर सकते हैं, आपके लिए वो ज़्यादा बेहतर होगी, क्योंकि आपको बोर्ड के एग्ज़ाम के साथ में चलना है। मैं यहाँ पे ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ में आपको जाना पड़ेगा, आपको टाइम कंज्यूम करना पड़ेगा वहाँ पे, और आपके पास टाइम कम है क्योंकि बोर्ड का एग्ज़ाम भी साथ में है और तीन महीने का टाइम भी है। बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो CBSE को पढ़ते, NCERT की बुक को पढ़ चुके होंगे, वो रिवीजन भी कर रहे होंगे, तो बेसिकली अगर आपने पढ़ा है तो रिवीजन कर डालिए तीन महीनों में विद मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज, और अगर नहीं पढ़ा तो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, खासकर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में बताए हैं। तो बेसिकली सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही होता है कि किस तरह से आप इस पर्टिकुलर टाइम का यूटिलाइजेशन करेंगे। बोर्ड का एग्ज़ाम में जो टॉपिक्स होते हैं वो काफ़ी कॉमन होते हैं, मींस इससे आपकी दोनों तैयारियां हो जाएंगी, एक तो बोर्ड की भी हो जाएगी, दूसरी आपकी मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज से नीट की भी प्रिपरेशन हो जाएगी। क्योंकि अगर आप पूरा सिलेबस उठा के देखेंगे नीट का, वो आपके ट्वेल्थ के बोर्ड से मैच करता है, तो ज़्यादा विशेष आपको प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों। और रेगुलरिटी बनाए रखिए कि आपको मॉक टेस्ट करने हैं तो करने हैं, मीन्स एक टाइम टेबल आपको मेंटेन करना पड़ेगा कि किस तरह से आपको हर सब्जेक्ट के लिए टाइम देना पड़ेगा, वो आप 2 आवर्स की सेल्फ स्टडी रखें या 3 आवर्स की सेल्फ स्टडी रखें, लेकिन आपको देना पड़ेगा इतना टाइम। बोर्ड के साथ साथ आपको MBBS की प्रिपरेशन के लिए भी टाइम देना पड़ेगा दोस्तों। तो और रेगुलरिटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कॉन्फिडेंस इस समय बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होइएगा दोस्तों, क्योंकि बोर्ड का एग्ज़ाम इज मच डिफरेंट देन नीट का एग्ज़ाम। तो वो एग्ज़ाम अलग है, ये एग्ज़ाम अलग है, बस ये कि जो टॉपिक्स हैं वो आपके कॉमन रहते हैं, जो प्रैक्टिस है वही आपके काम में आती है, जो भी जितने भी टेस्ट सीरीज, जितने भी एक्सरसाइज आप लगाते हैं,
चाहे वो एनसीईआरटी की बुक में हो या स्टेट बोर्ड की बुक में, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रादर देन कि आप पूरी स्टडी ज़्यादा करें, वो उतनी सफिशिएंट नहीं होती जितनी कि आप किसी एक्सरसाइज को लगाते हैं। तो बोर्ड के एग्ज़ाम के साथ साथ ये सारी चीज़ें आप करेंगे, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों आप लोग के लिए। अगर सक्सेसफुल होना है बोर्ड एग्ज़ाम के साथ इस बार नीट 2020 में।